एडवांस्ड टोट गन इन द वर्ल्ड टुडे. किसी के पास नहीं है, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है. ये इसे बस लोड करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है या वो भी ऑटोमेटिक? ये लोडिंग रोबोट है, नीचे शेल रहते हैं, वो पिकअप करता है, इसके ऊपर रखता है, सब ऑटोमेटिकली होता है. कोई कंपनी को मालूम ही नहीं है कि वो बैरल कैसे डिज़ाइन करें, उसका कैसे कैलकुलेशन करें, उसका कैसे सिमुलेशन करें, वो कुछ मालूम. लोगों को सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाना मालूम है. ये सर स्ट्रक्चर तो क्या, मामूली स्टील को वेल्ड करना है. है कि दिस इज अ गन विद ए 27 लीटर चेम्बर, सो इट कैन फायर ए जोन 7 राउंड. दुनिया में कोई भी जोन 7 नहीं फायर कर सकता. नोबडी हैज बीन एबल टू डिजाइन अ बैरल दैट कैन टेक द प्रेशर एंड फोर्स ऑफ जोन. आपके एनिमी के पास 155 नॉर्मल गन है, उसकी रेंज है 40 किलोमीटर. आप 5 किलोमीटर उसके पीछे रह सकते हो और उसको खलास कर सकते हो. यानी हमें रणनीतिक तौर पर इनोवेशंस आप लोग कर रहे हैं, ये तो मुझे लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर देश में कोई कंपनी नहीं कर रही होगी. कोई नहीं कर रही. कोई कंपनी को मालूम ही नहीं है कि वो बैरल कैसे डिज़ाइन करें, उसका कैसे कैलकुलेशन करें, उसका कैसे सिमुलेशन करें, वो कुछ मालूम नहीं. लोगों को सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाना मालूम है. ये सर स्ट्रक्चर तो क्या, मामूली स्टील को वेल्ड करना है. पर इसका मैकेनिज्म, कंट्रोल सिस्टम, वेट लेस देन 7.8 टन है इसका वजन, रेंज 41 किलोमीटर. तरह की बंदूकें जब आप लोग बनाते हैं तो सबसे जो पहली बात ध्यान में आती है वो क्या आती है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर तो माउंटेन्स बहुत हैं, हमारी जो दो पड़ोस. क्या है कि यू नीड अ गन दैट मीट्स ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स. सो सम प्लेसेस द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स आर यू नीड अ गन दैट इज फुली ऑटोनोमस. एटैक्स इज फुली ऑटोनोमस, इट कैन फायर ऑटोनोमसली. हाँ, एटैक्स दैट इज द मोस्ट एडवांस्ड टोट गन इन द वर्ल्ड टुडे. किसी के पास नहीं है, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है. ये इसे बस लोड करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है या वो भी ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक है. ये लोडिंग रोबोट है, नीचे शेल रहते हैं, वो पिकअप करता है, इसके ऊपर रखता है, सब ऑटोमेटिकली होता है. या और वो उसको उधर रखता है. हाँ, और फिर ऑटोमेटिकली वो जाता है, लोड होता है गन में, फायर होता है ऑन. या यू कैन फायर रिमोटली, बाहर से भी फायर कर सकते हैं, बट नॉर्मली गन में देर आर ऑलवेज पीपल. Now this can fire 5 rounds in 1 minute. Okay. And iski khasiyat ye hai ki this is a gun with a 27 liter chamber. So it can fire a zone 7 round. Duniya mein koi bhi zone 7 nahi fire kar sakta. Nobody has been able to design a barrel that can take the pressure and force of zone 7. Zone 7 ko simple bhasha mein zone 7 matlab ye jo jab aap प्रोजेक्टाइल फायर करते हो गन में, उससे गन के अंदर एक प्रेशर आ जाता है, स्ट्रेस. तो जोन 7 से मैक्सिमम प्रेशर आता है, उसके कारण वो प्रोजेक्टाइल की मजल वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाती है. तो 1000 मीटर पर सेकंड से समझो 1010 मीटर पर सेकंड, तो आपको 48 किलोमीटर रेंज मिलेगी. तो आपके एनिमी के पास 155 नॉर्मल गन है, उसकी रेंज है 40 किलोमीटर. आप 5 किलोमीटर उसके पीछे रह सकते हो और उसको खलास कर सकते हो. यानी हमें रणनीतिक तौर पर भी मदद मिलेगी. स्ट्रैटेजी एक वॉक अराउंड लेते हैं, क्योंकि बहुत विशालकाय है और आपने बताया कि दुनिया में ऐसी गन किसी के पास नहीं है. तो मुझे ये भी समझना है कि आखिर जो ये गन जो बनाई है वो DRDO के सहयोग से बनाई है. सिर्फ ये गन DRDO के सहयोग से बनाई है, बाकी सब हमारी डिज़ाइन है. जब आप लोगों ने ये गन तैयार की तो आप लोगों को पता था कि दुनिया में गन किसी का? पता था. और अब जब बना ली जो आर्टिलरी गन में, डॉट गन में, द लास्ट गन वाज डिजाइन्ड 35 इयर्स अगो इन द वर्ल्ड. वो 35 इयर्स में कोई किसी ने नई गन डिजाइन नहीं की है. अभी नाउ अमेरिकन, फ्रेंच, जर्मन, दे हैव स्टार्टेड डिजाइनिंग न्यू गन्स. इस मामले में भारत सबसे पहले निकल गया. एग्जैक्टली. तो ये वो गन है जो फुली ऑटोनोमस है, ये एक आर्टिलरी गन है और इसे कहीं भी ले जाना बेहद आसान है. ये इलेक्ट्रिक गन है तो ये साइलेंट है, आवाज़ नहीं करती. तो ये इसका सब ड्राइव इलेक्ट्रिक है. ये बॉल स्क्रू है, नॉर्मल गन्स में सिलेंडर होते हैं, तो यहाँ बॉल स्क्रू है.
ऑफकोर्स इसमें इंजन भी है, अगर आपको इलेक्ट्रिक नहीं तो इंजन से चलाना है तो इंजन भी है। बस समझो कि आप एनिमी टेरिटरी में हो और नज़दीक हो, आपको यू नो पीपल डोंट वांट टू हियर द साउंड और स्मोक कमिंग आउट ऑफ द इंजन और द हीट ऑफ द इंजन, साइलेंटली आपको ऑपरेट करना है, दिस इज ओनली गन। मतलब डुअल पर्पस, इंजन से भी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक से भी चला सकते हैं, साइलेंटली काम करेगी और ये ऑटोमेटिक है। ऐसी गन जो है दुनिया में बनी ही नहीं है, ये पहली गन है अपने तरह की पूरी दुनिया में। व्हाई इज इट कॉल्ड एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन, और इसीलिए इसका नाम है एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं इसमें चक्के भी खास तरह के लगाए गए हैं, आई मीन सेम दे आर आल्सो रन फ्लैट बुलेट प्रूफ, दो एक्सल है करके इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज लोड पर एक्सल इज मच लेस, और ड्राइवर वहाँ बैठ के इसे ऑपरेट कर सकता है, कहीं ले जा सकता है, इसके लिए कोई अलग से गाड़ी नहीं चाहिए। इट रन्स ऑन इट्स ओन और इट कैन बी टोर्ड बोथ। जिस तरह के आविष्कार यहाँ दिख रहे हैं इसके बाद बिल्कुल आपको ये आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अब ऐसी जो चीज़ें हैं अब भारत जो है वो दूसरे देशों से नहीं खरीदेगा, बल्कि भारत में खुद ऐसी कंपनियां हैं जो ये सब कुछ बना रही हैं। ये ATAGS है और ये पूरी तरीके से ऑटोनोमस है, और इसकी जो खास बात है वो ये कि दुनिया में ऐसी गन अब से पहले बनी ही नहीं है, और ये जो खिताब है वो भारत के पास है। सर बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए।